हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्य मार्या। मेरा आज का टॉपिक है, जैसे वीड के ऊपर चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर जो कृषि में वीड खरपतवार है, इनका बहुत ही बड़ा जो है कि साइड इफेक्ट क्रॉप्स के ऊपर देखने को मिलता है, मुख्य फसल के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वीड होता क्या है। वीड जैसे क्या है, वीड ऐसे पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ ही जर्मिनेट होते हैं, या उसके बाद जो जर्मिनेट होते हैं मुख्य फसल के जर्मिनेट होने के बाद जर्मिनेट होते हैं। तो ये करते क्या है कि ये अनवांटेड वीड होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो मुख्य फसल को प्राप्त होने वाले जो है कि न्यूट्रिएंट को और आपके जो खनिज जो है कि है मिनरल्स है, साल्ट्स हैं, और जो है कि एनर्जी उनके जो है कि मिलने वाले लाइट्स हैं, और जो पौधे को एक प्लांट को एक स्पेसिफिक प्लेस या स्पेस मिलना चाहिए, वो उनके वो उनसे क्या कर लेते हैं, मुख्य फसल से उनको छीन लेते हैं, जिससे मुख्य फसल जो है कि उनकी ग्रोथ जो है कि रिड्यूस होने लगती है, या उनको जो मुख्य फसल की जो ग्रोथ होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। तो ऐसे पौधे को ही हम वीड की श्रेणी में रखते हैं। तो वीड को हम सामान्य बसी भाषा में हम कह सकते हैं कि वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट होता है। अब हम बात करते हैं वीड को, तो वीड क्या है, वीड अब वीड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि वीड क्या है। तो बता दिया कि वीड क्या है, एक अनवांटेड प्लांट होता है जो कि मुख्य फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और देख लेते हैं कि वीड की कैटेगरी जो होती है, वीड को हम डोमिनेंस के आधार पर, प्री डोमिनेंस के आधार पर कैटेगरी कर सकते हैं कि प्री डोमिनेंस वीड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डोमिनेंस के आधार पर। तो प्री डोमिनेंस के आधार पर वीड का क्लासिफिकेशन, तो प्री डोमिनेंस के आधार पर वीड का क्लासिफिकेशन, इसको हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट वीड, एक होता है ऑब्लिगेट वीड होता है, एक होता है आपका फैकल्टेटिव वीड हम कह सकते हैं। तो एक होता है ऑब्लिगेट वीड होता है, एक होता है आपका फैकल्टेटिव वीड, जो कि ये प्री डोमिनेंस की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्री डोमिनेंस के आधार पर जो ऑब्लिगेट वीड है, फैकल्टेटिव वीड है, तो इसमें आपका ऑब्लिगेट वीड में एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे क्या है आपका चीनोपोडियम इसका एग्जांपल हो जाएगा, चीनोपोडियम इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके साथ ही आपका एनागैलिस इसका एग्जांपल हो जाएगा, चीनोपोडियम हो जाएगा, एनागैलिस हो जाएगा, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे क्या ऑब्लिगेट वीड कहते हैं किसे है? कि ये जो ह्यूमन जहाँ पे निवास करते हैं उसके आसपास के जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ जहाँ पर जो फार्मर्स फील्ड पे कल्टीवेशन करने आते हैं या जो भी फसल को उगाते हैं वहाँ पर जो है कि मुख्य फसल के साथ भी जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसे में जो वीट को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट वीट की श्रेणी में रखा गया है। जैसे क्या है, चीनोपोडियम है, एनागैलिस जो है जीनस है, इसके साथ ये एनागैलिस अरवेंसिस है, तो ये सभी क्या है, ऑब्लिगेट वीट के अंतर्गत आते हैं। अब फैकल्टेटिव वीट क्या है कि ये ऐसे वीट, फैकल्टेटिव वीट में क्या होता है, जैसे आपका क्या है अर्जीमोन हो जाएगा, अर्जीमोन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अर्जीमोन। अब क्या है अर्जीमोन मैक्सिकाना, अर्जीमोन मैक्सिकाना। अब ये अर्जीमोन मैक्सिकाना ये फैकल्टेटिव वीट में रखा गया है। ये क्या है कि फैकल्टेटिव वीट क्या होते हैं कि जहां पर जो फार्मर्स होते हैं, जो फील्ड की कंडीशन में भी, जहां पर जिस फील्ड पे फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं वहां पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये जो पौधे हैं ये आपके वाइल्ड कंडीशन में भी देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इनको हम फैकल्टेटिव वीड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऐसे खरपतवार, या कह सकते हैं कि ऐसे वीड जो जो है कि वाइल्ड कंडीशन और फील्ड कंडीशन दोनों पे देखने को मिल जाते हैं, ऐसे वीड को हम फैकल्टेटिव वीड की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्राइटेरिया कि जिसके आधार पर वीड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वीड को जैसे प्री डिपेंडेंस ऑन होस्ट, ये हो गया प्री डोमिनेंस के आधार पर, या दूसरा हो गया आपका डिपेंडेंस ऑन होस्ट के आधार पर। तो होस्ट के डिपेंडेंस के आधार पर हम इसको बांट लेते हैं। जैसे क्या है कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंस का मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि पैरासाइट के रूप में, किसमें, पैरासाइट के रूप में। तो पैरासाइट में इसमें हम बांट लेते हैं प्लांट पैरासाइट कर सकते हैं। अब प्लांट पैरासाइट को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं, एक होता है रूट पैरासाइट
और एक होता है आपका स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट होता है। तो अब ऐसे खरपतवार जो रूट के ऊपर पैरासाइट के रूप में हो, स्टेम के ऊपर पैरासाइट के रूप में हो, अब रूट पैरासाइट को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं। एक होता है टोटल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टोटल रूट पैरासाइट, और एक होता है टोटल सॉरी पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, और एक होता है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट, और एक होता है आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो इसको दो ग्रुप में बांट लिया हमने, ठीक है, इसको भी दो ग्रुप में हमने बांट लिया। तो अब रूट पैरासाइट दो कैटेगरी हो गए, एक टोटल रूट पैरासाइट, एक पार्शियल रूट पैरासाइट, और स्टेम पैरासाइट को एक टोटल स्टेम पैरासाइट, एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब हम देख लेते हैं कि टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल क्या है। जैसे ओरोबैंकी है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओरोबैंकी इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका जो है कि स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, ठीक है, स्ट्राइगा हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो टोटल स्टेम पैरासाइट है, इसका एग्जांपल कस्कुटा हो जाएगा, कस्कुटा, और इसका एग्जांपल लोरांथस हो जाएगा, लोरांथस। तो आप देखिए ओरोबैंकी को, अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल कुछ पॉइंट है। जैसे ओरोबैंकी का अदर नेम क्या होता है, ओरोबैंकी को हम क्या बोलते हैं, ब्रूम रेप के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्रूम रेप के नाम से जानते हैं, ब्रूम रेप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्ट्राइगर को हम विच वीट के नाम से जानते हैं, विच वीट के नाम से जानते हैं। तो स्ट्राइगो को हम बीच बीट के नाम से जानते हैं, और ओरोबैंकी को हम ब्रूम रेप के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो टोटल रूट पैरासाइट, ये कौन कौन से पौधे के ऊपर, या कौन कौन से पौधे इनके होस्ट होते हैं, या किस पे देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है इनका होस्ट, क्या है होस्ट, इनका होस्ट कौन है, जैसे आपका क्या है, टोबैको है, चिली है, ब्रिंजल है, टोबैको, चिली, चिली, ब्रिंजल, ब्रिंजल और पोटेटो हो जाएंगे। टोबैको है, टोबैको, चिली, ब्रिंजल और पोटेटो, ये सभी होस्ट प्लांट किसके, ओरोबैंकी के। इसके साथ ही स्ट्राइगा का होस्ट प्लांट क्या क्या है, जैसे इसका होस्ट प्लांट कौन हो जाएगा, होस्ट आपका हो जाएगा सनफ्लावर, सनफ्लावर हो जाएगा। इसके साथ मेज हो जाएगा, मेज। इसके साथ ही आपका सोरघम हो जाएगा, सोरघम प्लांट। इसके साथ ही आपका सुगर केन है, सुगर केन। तो ये इस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका होस्ट, ओरोबैंकिक होस्ट प्लांट टोबैको है, चिली है, ब्रिंजल है, पोटेटो, टोबैको, चिली, ब्रिंजल, पोटेटो। और स्ट्राइगा का होस्ट प्लांट कौन है, स्ट्राइगा को विच वीट के नाम से जानते हैं, और इसका होस्ट प्लांट सनफ्लावर है, मेज है, सोरघम है और सुगर केन होता है। तो ये कुछ स्पेशल जो प्लांट पैरासाइट है उसके रूट पैरासाइट के रूप में हमने इसको देख लिया। और इसमें यहाँ पे कस्कुटा का एग्जांपल, कस्कुटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, और लोरंथस क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, और ओरोबैंकी क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है, और ये जो पार्शियल रूट पैरासाइट ये आपका स्ट्राइगा है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, टीआरपी मीन्स टोटल रूट पैरासाइट, पीआरपी मीन्स पार्शियल रूट पैरासाइट, टीएसपी मीन्स टोटल स्टेम पैरासाइट, और पीएसपी मीन्स पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। तो ये हमारा दो कैटेगरी हो गया कि प्रीडोमिनेंस के आधार पर वीट का क्लासिफिकेशन, और एक होता है डिपेंडेंस ऑन होस्ट के आधार पर वीट का क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर वीट का क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी के आधार पर वीट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे अब मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी के आधार पर। अब मॉर्फोलॉजी के आधार पर देख लेते हैं, जैसे इसको तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होता है जैसे ग्रासेस, एक होता है ग्रासेस होता है, एक होता है सेजेस, सेजेस, और एक होता है आपका ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ के आधार पर बांट लेते हैं। अब क्या है, इनको तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर वीट का क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर ग्रासेस होते हैं, सेजेस होते हैं, ब्रॉड लीफ होता है। इसका एग्जांपल ये देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे इकाइनोप्लोआ, ई सी एच आई एन ओ
सीएस येलो ए, गाइनोक्लोवा फैलरिस माइनर, फैलरिस माइनर होता है, फैलरिस माइनर होता है, फैलरिस माइनर हो गया, इकाइनोक्लोवा हो गया, ये सभी ग्रासेस की कैटेगरी में आते हैं। सीजस में कौन आता है? अब सीजस में हमारा जो है कि ये क्या, साइप्रस, साइप्रस रोटंडस हो जाएगा, साइप्रस रोटंडस हो जाएगा, साइप्रस रोटंडस हो जाएगा एग्जांपल। और ब्रॉड लीफ का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपका चीनोपोडियम, चीनोपोडियम ले लेते हैं, चीनोपोडियम एल्बम हो जाएगा। तो ये चौड़ी पत्ती वाले, तो आप देखिए ग्रासेस में इनका करेक्टर क्या होता है, इनका स्टेम जो होता है वह सिलेंड्रिकल होता है और नोड और इंटर नोड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और सीजेस क्या होते हैं, ये इनका स्टेम कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, और इसके एग्जांपल साइप्रस रोटंडस होता है, रोटंडस R-O-T-U-N-D-U-S रोटंडस होता है, और फैमिली सेपरेसी होता है। इसके साथ ब्रॉड लीफ में हम देख लेते हैं ये चीनोपोडियम एल्बम आते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब हम देख लेते हैं अदर बेसिस पे, अदर बेसिस में जैसे देख लेते हैं हम अदर बेसिस में क्या है, अदर बेसिस पे, अब अदर बेसिस में क्या है, जैसे क्या है आपका एब्सोल्यूट, एक सेकेंड, वॉलंटियर वीड होता है, वॉलंटियर वीड बोलते हैं, वॉलंटियर वीड हो गया। इसके साथ ही आपका रिलेटिव वीड हो गया, रिलेटिव वीड हो गया। इसके साथ दूसरा जो है कि मिमिक्री वीड हो गया, मिमिक्री वीड हो गया, मिमिक्री वीड हो गया। और नेक्स्ट आपका नॉक्सियस वीड कर सकते हैं, नॉक्सियस वीड बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है कि एब्सोल्यूट वीड इसको बोल सकते हैं, तो एब्सोल्यूट वीड। अब क्या है एब्सोल्यूट वीड, अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे क्या है कि वॉलंटियर वीड किसे कहते हैं, जो पूर्व जो खेत में या कह सकते हैं जो फील्ड में पूर्व फसल के बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधे को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियर वीड बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि खेत में या फील्ड में पूर्व फसल के बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधे को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियर वीड बोलते हैं। अब रिलेटिव वीड किसे कहते हैं, कि मुख्य फसल के साथ उसी फैमिली के दूसरे पौधे उगाते हैं उसको बोलते हैं, दूसरे क्रॉप्स के पौधे उगाते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव वीड। जैसे क्या है, वीट के फील्ड में, वीट में जो है कि इन वीट क्रॉप राइस प्लांट, मतलब वीट के क्रॉप में राइस पौधे का पाया जाना उसको हम रिलेटिव वीट का एग्जांपल देते हैं। इसके साथ मिमिक्री वीट किसे कहते हैं, जैसे इसका हो गया फैलरिस माइनर हो जाएगा। तो फैलरिस माइनर जो तो जो कि क्या करते हैं कि गेहूं के जैसे ही सेम स्ट्रक्चर में शेप में होते हैं, साथ ही साथ उन्हीं के जैसे एक्टिविटी शो करते हैं, तो इसीलिए इस वीट को हम फैलरिस माइनर को हम जो है कि मिमिक्री वीट के नाम से जानते हैं। इसके साथ नॉक्सियस वीट में पार्थेनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है कि इसको हम नॉक्सियस वीट की श्रेणी में रखा गया है। और एब्सोल्यूट वीट किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वीट ऐसे वीट होते हैं जो कि स्पेशल करेक्टर के लिए जाने जाते हैं, जो कि विशेष जो है कि गुण रखते हैं, विशेष करेक्टर होता है। जैसे क्या, इसमें हो जाएगा साइप्रस रोटंडस इसका एग्जांपल हो जाएगा, किसका, एब्सोल्यूट वीट का। तो ये कुछ ऑन द अदर बेसिस पे इसका क्लासिफाई किया गया है, तो ये वीट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि वीडिसाइड का क्लासिफिकेशन, ठीक है, वीडिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो ये वीट का क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम देखते हैं वीडिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो अब वीडिसाइड का क्लासिफिकेशन क्या है, वीडिसाइड का क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड। तो वीडिसाइड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल के आधार पर,
किसके आधार पर? केमिकल के आधार पर, केमिकल बेसिस। अब केमिकल बेसिस पे हम देख लेते हैं कि वीडीसाइड का एग्जांपल केमिकल बेसिस देख लेते हैं जैसे क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे क्या है इसमें ग्रुप्स होते हैं, इसमें आपके ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्या है आपका जैसे एलिफैटिक ग्रुप, एलिफैटिक ग्रुप होता है, एलिफैटिक ग्रुप। अब एलिफैटिक्स इधर ये हो गया ग्रुप्स, ये हो गया ग्रुप्स, और इधर हो गए उसके एग्जांपल केमिकल के। तो इसमें आपका पहला एलिफैटिक्स हो गया। एलिफैटिक्स ग्रुप में क्या आता है आपका? टीसी आता है, एक्रोलाइन आता है, एक्रोलाइन आता है, और डाला पान आता है, डाला पान केमिकल आता है। इसके बाद हमारा एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप। अब एमाइड ग्रुप में क्या आता है? जितने भी केमिकल के हर्बिसाइड के नाम के लास्ट में क्या लगा हो, जो है कि क्लोर सब लगा हो। तो जैसे ब्यूटा क्लोर, ब्यूटा क्लोर, प्रोपा क्लोर, इसके साथ एला क्लोर, तो ये सभी जो है कि एमाइड ग्रुप में आते हैं, जिसके नाम के लास्ट में क्लोर शब्द लगा हुआ। ठीक है, एला प्रोपा सी या क्लोर, इसके बाद एला क्लोर, तो ये सभी है ब्यूटा क्लोर, प्रोपा क्लोर और एला क्लोर। इसके साथ हम बात करते हैं बेंजोइक्स ग्रुप में, बेंजोइक ग्रुप में बात करते हैं। तो बेंजोइक्स ग्रुप का जो होता है केमिकल, उसमें 2, 3, 6 टीबी आता है, इसके साथ आपका डाइकम्बा आता है, डाइकम्बा आता है, और ट्राइकम्बा आता है, ट्राइकम्बा आता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा ग्रुप की बात करते हैं बाई पैरिडियम ग्रुप में जैसे क्या आता है? इसमें आपका क्या आता है बाई पैरिडियम ग्रुप में? आपका आता है पैराक्वाइट आता है, पैराक्वाइट आता है, और डाई क्वेट आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके ट्राइजीन्स ग्रुप का, ट्राइजीन्स ग्रुप आता है। अब ट्राइजीन्स ग्रुप में जिसके नाम के लास्ट में, जिस केमिकल के अंत में क्या लगा हो, जीन सब लगा हो, जैसे क्या है एट्राजीन, एट्राजीन होता है, इसके साथ ही आपका सीमेजीन होता है, और प्रोपाजीन होता है। तो प्रोपाजीन, सीमेजीन और एट्राजीन, ये सभी ट्राइजीन ग्रुप में आते हैं। इसके साथ हमारा फिनोल्स ग्रुप आता है, फिनोल्स ग्रुप। फिनोल्स ग्रुप में क्या आता है? जैसे आपका डीएनओसी केमिकल आता है, डीएनओसी नाम का केमिकल आता है, डाइनोजेब आता है। ठीक है, इसके साथ हम फिनोक्सी ग्रुप की बात करते हैं, तो फिनोक्सी में आपका 2,4-D आता है, 2,4-DB आता है, और MCPA आता है, और MCPB आता है। ठीक है, ये सभी फिनोक्सी ग्रुप में आते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं यूरियाज ग्रुप में, यूरियाज ग्रुप की बात करते हैं। यूरियाज ग्रुप में हमारा क्या आता है? तो आपका यूरियाज ग्रुप में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जिस केमिकल के लास्ट में रॉन शब्द लगा हुआ, जैसे क्या है आइसोप्रोट्यूरान आएगा, इसके साथ आपका मोनो यूरान आएगा, इसके साथ डाई यूरान आएगा। तो डाई यूरान, मोनो यूरान और आइसोप्रोट्यूरान, ये सभी यूरियाज ग्रुप में आते हैं। इसके साथ हम यूरेसिल ग्रुप की बात करते हैं, यूरेसिल में आपका ब्रोमासिल आता है, ब्रोमासिल नाम का केमिकल आता है, और क्या आता है टर्बासिल आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका डाइफिनाइल ईथर्स ग्रुप में। अब डाइफिनाइल ईथर में आपका क्या आता है? नाइट्रोफेन आता है, जिसको नाइट्रोफेन। ठीक है, तो ये आपका कुछ केमिकल हो गए, ये आपके कुछ ग्रुप्स हो गए, और ग्रुप में आने वाले कुछ केमिकल हो गए।
तो एलिफेटिस ग्रुप में टीसीए है, एक्रोलाइन है, डालापान आता है, एमाइड्स में ब्यूटाक्लोर आता है, प्रोपाक्लोर आता है, एलाक्लोर आता है। बेंजोइस ग्रुप में 236 टीबी आता है, डाइकम्बा, ट्राइकम्बा। इसके बाद बाइपायरेलेट डीएम ग्रुप में पैराक्वेट और डाइक्वेट आते हैं। ट्राइजीन्स में आपका एट्राजीन है, सिमेजीन है, प्रोपाजीन है। फिनोल्स में आपका डाइनोसी, उसके बाद डाइनोजेब आता है। फिनोक्सी में 24D है, 24DB है, MCPA, MCBB आता है। यूरियाज ग्रुप में आइसोप्रोटोरान, मोनोयूरान और डाइयूरान आता है। और आपका नेक्स्ट यूरिसिल ग्रुप में ब्रोमासिल है, टार्बासिल नाम का केमिकल आता है। और बटाई फिनाइल ईथर्स ग्रुप में हम नाइट्रोफेन जो है कि केमिकल आता है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ग्रुप्स के आधार पर बीडी साइड का जो है कि क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब जो है कि मोड ऑफ जो है कि ट्रांसलोकेशन। मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन और क्लासिफिकेशन अभी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन, लोकेशन के आधार पर, तो अब मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन के आधार पर इसको दो ग्रुप में बांट लिया गया होता है। उसको दो ग्रुप में पार्ट जो है कि ट्रांसलोकेशन को दो ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं कि हर्बिसाइड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। तो दो ग्रुप में होता है, एक आपका सिस्टमिक होता है, एक सिस्टमिक होता है और एक आपका कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट होता है, सिस्टमिक में आपका जो है कि 24D और प्रोपाजाइन आता है, सीमेजीन आता है, पेंडीमेथिलीन आता है। और कॉन्टेक्ट का एग्जांपल पैराक्वेट और डाइक्वेट आता है। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन के आधार पर। और सिलेक्टिविटी के आधार पर ही जो सिस्टमिक नेचर है उनको सिलेक्टिविटी के रूप में यूज कर सकते हैं, और इसको नॉन सिलेक्टिव पैराक्वेट और डाइक्वेट को हम नॉन सिलेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम कुछ हमारे जो है कि क्या जो हर्बिसाइड है उनके हम ट्रेड नेम की बात करते हैं, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं जो है कि हर्बिसाइड, एक तरफ हर्बिसाइड लिख लेते हैं और एक तरफ क्या है उनका ट्रेड नेम। अब क्या है, अब जैसे देखिए इसमें जैसे क्या है, इसमें आपका आइसोप्रोट्यूरान को क्या बोलते हैं, इसको एरीलान इसका ट्रेड नेम होता है। इसके साथ ही आपका सल्फो सल्फ्यूरान को हम लीडर के नाम से जानते हैं, लीडर इसका ट्रेड नेम होता है। इसके साथ ही आपका फ्लू क्लोरालीन को हम बासालीन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आपका जो है कि नाइट्रोफेन जिसको टोप 25 बोलते हैं। इसके साथ आपका प्रोपानिल को हम स्टाम F34 बोलते हैं। इसके बाद पेंडीमेथिलीन को हम स्टॉम्प बोलते हैं। इसके साथ ही आपका एट्राजीन को हम एट्रेक्स या एट्राटाफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ब्यूटाक्लोर को हम मचीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है कि हर्बिसाइड हो गए और उनके ट्रेड नेम ये उनके हो गए। ठीक है,
इसके साथ ही आपका जैसे आइसोप्रोपाइलन हो गया 2,4-D, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक होता है 2,4-D जिसको हम वीड मार के नाम से जानते हैं, वीड मार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कुछ हर्बिसाइड हो गया और उनके कुछ जो है कि हमारा जो है कि ट्रेड नेम हो गया, उनका हमारा जो है कि ये आपका ट्रेड नेम हो गया। तो आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।